नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यू वीडियो क्रिएशन यूट्यूब चैनल और आज की इसमें हम कुछ टेक्निकल न्यूज़ आप लोगों को बताने जा रहे हैं। फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन सेल में इन्फिनिटिक्स हॉट 10 बिक्री के लिए तैयार है और इस स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत जो है 9999 रखी गई है। और फीचर्स की बात करें तो इस फ़ोन में हेलियो G70 का चिपसेट और 16 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा जो है सेटअप जो है उसको 5200 mAh की बैटरी के साथ है और 1800 वाट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। वहीं सैमसंग गैलेक्सी F41 की सेल शुरू में मिल रहा है, इसमें बम्पर डिस्काउंट का ऑप्शन। आपको बताएं सैमसंग के लेटेस्ट बजट स्मार्टफोन गैलेक्सी F41 की बिक्री भारत में शुरू हो गई है और इसे फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल के दौरान खरीदा जा सकता है। और आपको बता दें कि गैलेक्सी F41 ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है और प्राइमरी लेंस इसमें जो है 64 मेगापिक्सल का है, दूसरा 8 मेगापिक्सल का है जो अल्ट्रा वाइड, तीसरा सेंसर 5 मेगापिक्सल का है और सेल्फी के लिए इस फोन में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। तो गैलेक्सी F41 के 6GB रैम और 64GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत जो है 15,499 रुपये रखी गई, जबकि 6GB रैम 128GB स्टोरेज की कीमत जो है 16,499 रुपये है। तो गैलेक्सी F41 को आप ग्रीन, ब्लू और ब्लैक कलर वेरिएंट के साथ आप खरीद सकते हैं। और वहीं एयरटेल का पहला ऑनलाइन म्यूजिकल कॉन्सर्ट ऐप जो है ऐप पर सेलिब्रेट होगी नवरात्रि जो है। तो आप एयरटेल ने जो है विंग म्यूजिक के लिए नवरात्रि नाइट्स की घोषणा की है और यह अपने प्रकार की एक पहली ऑनलाइन कॉन्सर्ट सीरीज होगी। नवरात्रि नाइट को विंग म्यूजिक पर जो है 17 से 25 अक्टूबर की शाम 7 से 8 बजे के बीच आपको रोज़ाना लाइव स्ट्रीमिंग आपको इस पर देखा जा सकता है। तो नवरात्रि नाइट्स को जो है विंग स्टोरेज के रेट क्रिएट पे किया जा सकता है और इसके इवेंट को एक ही समय में लाखों यूज़र अटेंड कर सकते हैं और यूज़र मैसेज पोस्ट भी कर सकते हैं इसमें और गाने का रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं और रियल टाइम में कलाकारों से भी बात भी कर सकते हैं। तो विंग म्यूजिक पर नवरात्रि नाइट के सभी के लिए उपलब्ध है और नॉन एयरटेल कस्टमर्स केवल 29 रुपये में एक महीने विंग प्रीमियम के लिए सब्सक्राइब कर सभी प्रकार के कंसर्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये है कि एयरटेल की ये सुविधा जो नवरात्रि पर उनके व्यूवर्स के लिए दी जा सकती है, अपने कस्टमर के लिए ये दे रहा है। और वहीं अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। तो नहीं कटेगा ट्रैफिक चालान, जी हाँ, यह है एक ऐप ऐसा है जिस पे आपको अलर्ट करता रहेगा। ज़्यादातर लोगों को ऑनलाइन मिलने वाले चालान का जो है ओवर स्पीड और रेड लाइट जंप के होते हैं और चालान स्पीड कैमरास की मदद से काटे जाते हैं। और आज हम आपको जो एक ऐसे ऐप के बारे में बता रहे हैं जो कि आपको शहर के चौराहों और सड़कों पर लगे स्पीड कैमरों की जानकारी देता है। और तो आपको बता दें कि इस ऐप का नाम है रेडरबॉट और इस ऐप की जो खास बात यह है कि जैसे आप किसी स्पीड कैमरे के करीब पहुंचते हैं तो आपको अलर्ट मिल जाता है और इस ऐप की मदद से आप शहरों में छिपे ऐसे तमाम स्पीड कैमरों से बच सकते हैं। तो आपको बता दें कि इस तरीके की सुविधा, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कुछ ना कुछ नया होता जा रहा है। तो बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ कि घंटों तक ठप रहने के बाद भी फिर से बहाल हुई है ट्विटर की सेवाएं। जी हाँ, बीच में क्या हुआ, ट्विटर जो है दुनिया भर में लोकप्रिय माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की सेवाएं शुक्रवार को कई देशों में ठप हो गई थी और ग्लोबल आउटरेज की वजह से ट्विटर लगभग 2 घंटे तक डाउन रहा। और हालांकि बाद में ट्विटर की सेवा फिर से बहाल हो गई और कैलिफोर्निया स्थित कंपनी मुख्यालय में ट्वीट कर यह बताया गया कि आप में से कई लोगों के लिए ट्विटर डाउन हो गया है और हम इसे वापस लाने और सभी के लिए चलाने के लिए काम में लगे हुए हैं। तो हमारी आंतरिक और सिस्टम में कुछ परेशानी थी, हमारी सिक्योरिटी या साइट हैक होने का कोई सबूत नहीं मिल रहा है। तो बता दें कि इसके लिए पहले भी कई बार ट्विटर डाउन हो चुका है और इतना ही नहीं, ट्विटर पर कई बार हैकिंग और सुरक्षा की सेन जैसी समस्याओं से भी दो चार होना पड़ता रहा है। तो हैकर कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं और टेक्नोलॉजी में कुछ ना कुछ सेन हमारी भी होती रहती है। तो अब बढ़ते हैं कि ओप्पो A15 भारत में लॉन्च हो गया और आई प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी है इस फ़ोन में। और फ़ोन की खासियत में क्या है तो आपको आइए जानते हैं कि ओप्पो ने आखिरकार भारत में अपना नया कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है
और ओप्पो का दावा है कि इस फ़ोन में कंपनी की आई प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी है, जिससे ब्लू लाइट और एमिएशन कम होता है। और नए ओप्पो A15 में ट्रिपल कैमरा या रियर कैमरे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट फीचर्स में दिए गए हैं। और वहीं बात की जाए तो फ़ोन में 13 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरे के साथ 2 मेगापिक्सल माइक्रो और 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर है। और सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के जरिए के लिए स्मार्टफोन में 5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा मौजूद है। और वहीं ओप्पो A15 भारत में 10,990 रुपये में मिलेगा और जल्द ही इसकी बिक्री शुरू हो जाएगी। और ये हैंडसेट जो है डायनेमिक ब्लैक और मिस्ट्री ब्लू कलर में मिलेगा। तो अब बढ़ते हैं कि याहू मैसेंजर के बाद याहू ग्रुप भी बंद होने जा रहा है। जी हाँ, याहू मेल करेगी काम, तो याहू की ग्रुप सेवा बंद होने जा रही है और याहू की वेबसाइट भी अब 15 दिसंबर से बंद हो जाएगी। हालांकि याहू मेल की सेवाएं जारी रहेंगी क्योंकि कई लोगों के मेल इस पे बने हुए हैं। और वेरिजन की स्वामित्व वाली कंपनी याहू ने कहा है कि वह अपने दूसरे बिजनेस पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है। और बता दें कि वेरिजन के साल 2017 में याहू को खरीदा गया था और कंपनी लगातार अपनी सेवाएं के इस्तेमाल को मॉनिटर करती रही है। उसके यूज़र में लगातार कमी आ रही है और ऐसे में सेवा को आगे जारी रखना कंपनी को मुश्किल में साबित हो रहा है। और ऐसे इससे पहले साल 2018 में कंपनी ने याहू मैसेंजर ऐप को बंद कर दिया था। और 17 जुलाई 2018 को याहू मैसेंजर बंद होने के बाद जो है सभी यूज़र्स को स्क्वायरल पर शिफ्ट किया गया है। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ कि सालों साल आ गया सिक्योरिटी फीचर। जी हाँ, PVC आधार कार्ड के बारिश में भीगने और ख़राब ना होने की वजह से आपको ये चिंता अब छूमंतर होने वाली है। अब आपको ATM कार्ड की तरह फिर क्रेडिट कार्ड जैसा आधार कार्ड बना सकते हैं, जिसके लिए आप आसानी से वॉलेट में कहीं पे भी रख सकते हैं और कैरी कर सकते हैं। तो सबसे खास बात यह है कि ये नया आधार कार्ड बारिश और पानी में भी ख़राब नहीं होगा। तो UIDAI के ट्विटर पर इसके बारे में जानकारी दी गई है। UIDAI ने ट्वीट में लिखा है कि अब बिल्कुल नया आधार PVC कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं, जो दिखने में आकर्षक है और काफ़ी दिनों तक चलता है। और इसके अलावा ये आधुनिक सिक्योरिटी फीचर से लैस है। और सिक्योरिटी के लिए इस नए आधार कार्ड में एक होलोग्राम घोस्ट इमेज और माइक्रो टेस्ट फीचर्स इसमें दिए गए हैं। और इस बेहद खास PVC कार्ड के लिए आपको UIDAI के को सिर्फ 50 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। सिर्फ 50 रुपये के भुगतान पे आप ये कार्ड ले सकते हैं। तो मतलब आपके घर पर आएगा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा इसके लिए। तब पढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ से टेक्नोलॉजी। जी हाँ, 5G सपोर्ट वाला OnePlus 8T भारत में लॉन्च हो गया है। और फास्ट चार्जिंग में एक कमाल का प्रीमियम स्मार्टफोन मेकर OnePlus ने अपना नया फ्लैगशिप और स्मार्टफोन जो है 8T लॉन्च कर दिया है। OnePlus 8T में बहुत कुछ नया है और ये 120 हर्ट्ज डिस्प्ले और 65 वॉट फास्ट चार्जिंग और स्क्वाड रेयर कैमरा सेटअप के से लेस है। और ये 5G सपोर्ट वाला स्मार्टफोन है, जिसमें कि 6.55 इंच का फुल HD प्लस फ्लूड एमोलेड डिस्प्ले इसमें दिया गया है। और OnePlus 8T 4 रियर कैमरों वाला स्मार्टफोन है और इसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है। और इसके साथ ही अल्ट्रा वाइड और एंगल लेंस वाला भी 64 मेगापिक्सल कैमरा है और 5 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम सेंसर इसमें दिया गया है। और सेल्फी कैमरे को होल 5 कट आउट में जगह मिली है और यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का सेंसर है। भारत में OnePlus 8GB रैम वेरिएंट की कीमत जो है 42,999 रुपये रखी गई है, जबकि 12GB रैम वेरिएंट की कीमत 45,999 रुपये रखी गई है। तो इस फ़ोन की बिक्री 16 अक्टूबर से अमेज़न प्राइम पर मेंबर्स के लिए शुरू हो गई है और चूंकि 17 अक्टूबर को ये अमेज़न इंडिया की वेबसाइट पर ओपन सेल में ग्रीन और सिल्वर कलर में ऑप्शन में मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये रही कुछ टेक्निकल न्यूज़ जो हमने आप लोगों को बताई। हो सकता करते हैं कि इसमें से बहुत कुछ जानकारी आप लोगों के काम की होगी। तो लगातार बने रहें अपने न्यू मीडिया क्रिएशन यूट्यूब चैनल पर। हम आपको लिए लगातार इस तरह की खबरें आपको अब आगे अपडेट देते रहेंगे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो और ये जानकारी, कृपया कमेंट्स में लिखें। और चैनल को भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।